आम जनता की मृत्यु के कारण पर ही राजनीति पर्दा नहीं डालती, बल्कि नौजवानों के नौकरी पाने के सपने भी मार दिए जाते हैं और मारे जाने की वजह कोई नहीं बताता। ऐसा आरोप राजस्थान में लगा है, जहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे योग्यता से ज्यादा शिक्षा मंत्री के कद, पद और रुतबे का काम। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अच्छी खासी नौकरी वाली इसी नवाबी के लिए नौजवान मोटी मोटी किताबों को दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का इम्तिहान कराने वाले आयोग में चयन कराना है तो रिश्तेदारी भी बहुत काम आती है। रिश्तेदारी जो अगर शिक्षा मंत्री से हो तो क्या कहने। मंगलवार को राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा 2018 का नतीजा आया तो पता चला कि राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पुनिया, बहू के भाई गौरव पुनिया और बहू की बहन प्रभा पुनिया का भी चयन हुआ। अब शिक्षा मंत्री के बहू और बहू के भाई बहन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाएं, इस पर किसी को क्या आपत्ति। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि इस चयन के पीछे रिश्तेदार हुए मंत्री जी तो डर काहे का वाली कहानी है। बीजेपी के आरोप के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 50% अंक मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 80%। बहू प्रतिभा के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 47% नंबर मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें भी 80% नंबर मिला। शिक्षा मंत्री की बहू की बहन प्रभा प्रशासनिक सेवा के रिटर्न एग्जाम में करीब 46% नंबर पाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये भी 80% नंबर पा जाती हैं। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर भी इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर पाती है, वहां शिक्षा मंत्री के 3-3 रिश्तेदार 80-80% नंबर हासिल करते हैं। चौथे नंबर के टॉपर को इंटरव्यू में सिर्फ 67 नंबर मिलते हैं, लेकिन मंत्री जी की बहू एंड फैमिली को 80 नंबर। इस तरह से राजस्थान के कुछ और मेहनत कश नौजवान जो RAS लगने चाहिए थे उनके हकों में सीधा सीधा कुठाराघात किया गया है और ये पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटर्न टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि RPSC में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है। अब मुद्दा ये कि इसकी जांच कैसे होगी, बीजेपी के आरोप सच्चे हैं या वाकई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बेटे की ससुराल वाले नौजवान इतने योग्य हैं कि टॉपर से ज्यादा नंबर इंटरव्यू में पा जाते हैं। जांच इसलिए जरूरी है कि अगर सच नहीं पता चला तो मेहनत करने वाले हजारों युवाओं का इम्तिहान की पारदर्शिता पर भरोसा टूट जाएगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक।